preview. आज कॉरपोरेशन कमिश्नर अस्सी कुमार पांडे साहब से मिलने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन कमिश्नर साहब मीटिंग में बिजी होने की वजह से उनके जो सहायक है सुनील ढेगड़े साहब, इनको हमने निवेदन दिया और इसके अंदर हमने ये बताया कि किलासपुर के जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी के 24 साल के और 12 साल के जो पैसे जो रुके हुए अकाउंट के अंदर, वो फ़ौरन रिलीज किया जाए, क्योंकि कर्मचारी के बच्चों की जो शादी होती है तो उनको एक आस रहती है कि मेरे 24 साल के पैसे मिलेंगे तो मैं बच्ची की शादी करूंगा, लेकिन अकाउंट ऑफिसर की मनमानी से ये पैसे अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए। दूसरा विषय हमने साहब को ये बताए थे कि औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर जो सफाई मजदूर है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी की सरकार ने 5 दिन का अठोड़ा जो उन्होंने जाहिर करे, वो 5 दिन के अठोड़े के अंदर किलासपुर के कर्मचारी हर शनिवार को जो है काम करते, हर शनिचार का जो है तो मुबदला उनको मिलना चाहिए, इसकी भी हमने सूचना कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को दी है। दूसरा जो है, जो किलासपुर के कर्मचारी आज जो किराए के मकानों में रहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जानिब से जो योजना है, वो योजना के अंदर औरंगाबाद के अंदर मिटमीठा बोल के जो गौ है, वो गौ के अंदर जगह उपलब्ध है। कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर फौरी जो है कर्मचारी के लिए घर बना के देने की कोशिश करना चाहिए और कर्मचारी के ऊपर होने वाला अन्याय ये दूर करना चाहिए, ऐसी हमने डिमांड की है। अगर कमिश्नर साहब 8 रोज़ के अंदर अगर 24 साल के लोगों को पैसे वेतन देने का काम नहीं करेंगे, तो औरंगाबाद सफाई कामगार संगठन लोकशाही मार्ग से बहुत बड़ा आंदोलन खड़े करने वाली है, इसकी नोंद कमिश्नर साहब ने लेना चाहिए। आपका पूरा नाम और सैयद मोइनुद्दीन इनामदार, औरंगाबाद सफाई कामगार संगठन संस्थापक अध्यक्ष। जी जी भाई, अभी जैसे हमने जो निवेदन दिए कमिश्नर साहब को, उसके ऊपर इन्होंने 8 रोज के अंदर एक्शन लेना चाहिए और ये मसले का हल करना चाहिए, नहीं अगर होता है तो हम बड़ा आंदोलन की तैयारी में रहेंगे। का नाम पूरा सैयद मुजीब सैयद मोइनुद्दीन।